दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। सुल्तानपुर लोधी में भाजपा के सचिव राकेश कुमार मिंटू के खिलाफ पुलिस द्वारा झूठा पर्चा दर्ज करने के रोष स्वरूप सुल्तानपुर लोधी की विभिन्न संस्थाओं व धार्मिक संगठनों द्वारा शांतिपूर्वक रोष मार्च निकाला गया। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना था कि पुलिस ने राकेश कुमार मिंटू के खिलाफ पर्चा दर्ज कर पहले उन्हें आरोपी बताया और बाद में उन्हें उसी मामले में गवाह के रूप में पेश किया, जिसे भाजपा व अन्य संस्थाओं में रोष पाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्वक सुल्तानपुर लोधी को बंद किया। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी देवेंद्र पाल सिंह ने मौके पर पहुंचकर इस मामले में से भाजपा सचिव राकेश कुमार मिंटू का नाम निकाल दिए जाने का आश्वासन देकर लोगों को शांत करवाया। मैं रजीव धीर प्रधान आरपीएस सुल्तानपुर लोधी इस गल की जोरदार निंदा करता हाँ जो श्री राकेश कुमार मिंटू से सुल्तानपुर लोधी पुलिस द्वारा झूठा पर्चा दर्ज किया गया है। ये रोस रूप सारी मंडी आरपीएस होर भी सारिया जथेबंदियों ने रल के अब जो सुल्तानपुर लोधी सारा बंद कराया वा तो अभी पंजाब पुलिस सुल्तानपुर लोधी डीएसपी ने मिल के ये गल कही है भी जो 8 दिनों के राकेश कुमार मिंटू से जोड़ा पर्चा दर्ज किया गया उन्होंने रद्द ना किया गया तो अभी 30 पॉइंट कपूरथला रोड से जोड़ा इन्होंने किया भी नीटू प्रधान ने जोड़े इन्होंने खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज है इन्होंने शक है लेकिन असं इन्होंने पहला विश्वास दवाया तो हूँ भी दवाने भी ये खिलाफ कोई साढ़े को मुकदमा दर्ज नहीं ना ही सूँ किसी मुकदमे वांटड है।